हेलो, मैं रूम नंबर 516 में बात कर सकती हूँ? 516 तो खाली है मैडम। क्या खाली है? यस मैडम। नहीं नहीं, उन्हें किसी और कमरे में शिफ्ट किया होगा। आप देखिए जरा, देखिए उन्हें बाबा कहते हैं। मैं जानती हूँ मैडम, लेकिन जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है तब से रूम खाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, इतने जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कैसे मिल सकता है? I'm sorry, madam. हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, देखिए, मैं उनके हेलो हेलो वापस आ गए। क्या? हाँ, वापस आ गए, लेकिन किसी ने बताया क्यों नहीं कि वो वापस आ गए? पर भाभी, किसी को पता नहीं था। इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर दिया उन लोगों ने? बाबा, 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 बस बच्ची, बस मौत से लड़कर आ रहा हूं मैं, तेरे आंसुओं में डूब कर नहीं मरना चाहता। बाबा वो सो रहे हैं। मैं उठाऊं उन्हें? नहीं, सोने दे। कमरा खोलो बाबा का, जल्दी। जी, चलिए। आराम से। गिरदी मत करो, पानी लाओ। बाहर का दरवाजा बंद करो, सब दरवाजे बंद। हाँ, विक्रम कहाँ है बाबे? अबे कहाँ ना भागने में सो रहा है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मेरे आने पर वो सो नहीं सकता। फोन करके बुला ले, मुझे मालूम है कमरे में नहीं है। इसे कह बाबा को घर ले आए, फौरन आ जाए। हेलो, मुझे विक्रम से बात करनी है। मैं साक्षी बोल रही हूँ। वो सो रहा है, फोन दो उसे प्लीज। विक्रम, आई एम सॉरी बेबी, उठो, तुम्हारी वाइफ का फोन है। हेलो, बाबा को घर ले आए। क्या, किसकी इजाजत से? बाबा आपको पूछ रहे हैं।
क्या हुआ? कुछ नहीं। राधा, क्या बात है? वो हॉस्पिटल में नहीं है। कोई बता भी नहीं रहा है कि उनका कमरा खाली क्यों है। अभी इतने जल्दी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिल सकता है ना? तुम चाहो तो हम उनके घर पे फोन करके पता कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, बार बार फोन एंगेज आ रहा है। अब इस वक्त फोन एंगेज होना कोई दुख नहीं है ना? नए रास्तों पर आकर भी गुजरे राहों की मिट्टी पैरों पर अब भी चिपकी हुई है। वो शायद इसलिए कि वो राह के कांटों से बचाना चाहती है तुम्हें। हेलो, हाँ जी, एक मिनट। राधा, काका जी। पता चला कमरा खाली है, अचानक फिक्र हो गई इसलिए इतनी रात फोन किया। कैसे हैं वो? काका साहब, काका साहब, तुम्हें फिक्र लगी रहा था। आ? पहली बार तुम्हारी परेशानी देखकर खुशी हुई। अब भी मेरे लिए परेशान होती हो राधा। कैसा लग रहा है इस वक्त? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदगी में 15 साल पीछे चला गया हूं। झूठ मत कहना, आपको आराम की जरूरत है। बातें बाद में भी की जा सकती है ना? मैं फोन रख रही हूं।
दानी को उड़ाना है। दानी पर गोली तो तुम चलाओगे लेकिन उसे मारोगे नहीं। बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में। तुमने बताया तो नहीं मैं कहाँ था? बाबा को घर क्यों ले आया मुझसे पूछे बगैर? कहाँ फोन करके तुम्हारी इजाजत देते हैं? हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। चिल्ला मत बच्चे, बाबा सो रहे हैं। इतनी जल्दी ले आने की क्या जरूरत थी? फैसला बाबा का था, मेरा नहीं। खुद से नाराज हो बाबा, मेरे होते ये नहीं होना था। बच्चे, हम जिस राह पर चल रहे हैं वहां मौत को जेब में लेकर चलना पड़ता है और जेब कभी भी कट सकती है, इस बात का खुद को यकीन दिलाना पड़ता है। जिंदगी कितनी कीमती है ये जानने के लिए मौत का एहसास जरूरी है। मौत का डर ना हो तो इंसान किसी से प्यार नहीं करता। बच्चे, मेरी दौलत का वारिस है और मेरे गुनाहों का भी, मेरी गुनाहों की जिंदगी का भी। अब मैं चाहूं भी तो तुझे किसी दूसरी राह पर नहीं भेज सकता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर रखूंगा कि मेरी तरह तू भी इन बुराइयों में रहकर जिंदगी की अच्छाइयां ढूंढता रहे। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं पापा। मेरी तरह बनना है तो दो काम करने होंगे, एक तो साक्षी से प्यार रहिए, गुस्से को कम करना होगा। मैं लाइट बंद करता हूं बाबा, आप आराम कर लो।
आपने मुझे पहचाना नहीं। नाम तो आपका भी मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर किशन भगवान को देखने के बाद याद तो राधा जी की आती है ना। राधा, मैं यहां मंदिर में अक्सर आती हूं। मैं चलती हूं, फिर कभी मिलेंगे।